तो आज के सेशन में हम लोग वॉक थ्रू करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, कैटलॉग का वॉक थ्रू करेंगे, बिकॉज हमें से सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं किस टाइप के हैं और वो प्रोडक्ट के क्या क्या नाम है, वो क्या क्या करते हैं, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे क्विक वॉक थ्रू, और फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट रेंज है उसको हम लोग कवर करेंगे। सो पूरा का पूरा ये जो सेशन है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 20-25 मिनट्स का होने वाला है, तो जस्ट फोकस ऑन इट। आई एम शेयरिंग विद यू product catalog. So this is the latest product catalog which you can see on your screen. This is catalog of India. Okay, ये India का catalog है. आप अगर इस webinar को attend कर रहे हैं from मतलब outside India, तो आपका अपनी country का आप catalog को एक बार refer करिए, because FLP is a company जो कि 160 countries में है. Okay, more than 160 countries में. तो हर एक country का जो catalog है, product range है, थोड़ा सा different होगा. तो ये जो मैं आपको रेफर करने वाला हूँ आज के सेशन में, ये है इंडिया का प्रोडक्ट कैटलॉग, ओके, विच इज लेटेस्ट 2018 and 19. तो बहुत ही डिजाइन वाइज इट इज वेरी गुड, सो आप लोग इस कैटलॉग को देखिएगा. सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज वी डिस्कस यस्टरडे, इट इज दिस कंपनी स्टार्टेड इन मे 1978. तो 40 साल हो चुके हैं इस कंपनी को. ओके, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में अगर हम इसको डिवाइड करें तो FLP के कुछ ड्रिंक्स हैं, ओके, कुछ बी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, कुछ प्रोडक्ट कॉम्बो करके निकाले हैं कंपनी ने, जो कि जैसे वेट मैनेजमेंट के कुछ कॉम्बो हैं या कुछ फिटनेस ओरिएंटेड कुछ कॉम्बोज हैं, वो कुछ है यहाँ पे इंडिया में. स्किन केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर एंड सम लिटरेचर एंड मर्चेंडाइज which you can use for your own knowledge and also for your personal use. Okay, so ये सब categories हैं, category of the products which are available in India. All right. So introduction about forever living product or aloe vera forever living product का अगर हम बोलेंगे कि synonym क्या है? Synonym is it is the aloe vera company, world's largest manufacturer of aloe vera. Okay, largest grower and manufacturer of aloe vera and aloe vera products in the world, that is forever living products. और ये जो पूरी कंपनी है, ये किस तरीके से aloe vera बनाती है, क्या करती है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं. जब हम गुड हेल्थ एक बुक है उसके बारे में हम लोग पूरा वॉक थ्रू करेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. ओके, बट आज के सेशन में क्योंकि हम वॉक थ्रू कर ही रहे हैं कैटलॉग का, तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर अराउंड 50 मिलियन प्लांट्स, एलोवेरा प्लांट्स हैं, जो कि जिसकी प्लांटेशन मतलब कंपनी करती है हमारी. ओके, 50 मिलियन प्लांट्स. तो फ्रेशेस्ट एलोवेरा, प्योरेस्ट एलोवेरा प्रोवाइड करते हैं हम लोग. ओके, एंड ये मतलब एक तरीके से ये सभी चीज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी, जो हम गुड हेल्थ के बारे में देखेंगे. तो नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट के, तो फर्स्ट कैटेगरी इज ड्रिंक. तो इस कैटेगरी को हम लोग पहले कवर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हमारी कंपनी के तीन प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ड्रिंक्स कैटेगरी में है. फॉरएवर एलोवेरा जेल, एलोवेरा जूस नहीं, एलोवेरा जेल करके नेम मतलब जो प्रोडक्ट का नाम है वो ये है. फिर आता है फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर एंड देन फॉरएवर एलो पीचेस. ये तीन प्रोडक्ट हैं जो कि ड्रिंक्स अवेलेबल हैं. ओके, अब एक एक करके इन ड्रिंक्स के बारे में जरा देखें. तो एलोवेरा जो ड्रिंक है, जो पीने वाला है, इसके अंदर 99.7% एलोवेरा होता है. इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, कोई शुगर नहीं होता, रिच इन विटामिन सी एंड इट इज ग्लूटेन फ्री. बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत सारे लोग इससे एलर्जी होती है लोगों को. ओके, तो इट इज ग्लूटेन फ्री ड्रिंक, तो इट इज वेरी वेरी सेफ फॉर एवरीबडी. इवन कोई भी इसको ले सकता है, जो भी ये हमारा जो प्रोडक्ट है एलोवेरा. Okay, it is very, very good for digestive system and it helps in nutrition absorption. ऐसा कहते हैं कि FLP के प्रोडक्ट काम क्यों करते हैं? Because we give a proper combination of the products. Nutrition तो और भी companies बनाती है, लेकिन जब भी हम एक मतलब अगर हम forever living product को एक अलग word अगर हम बोले, तो it is all about the right combination of the products. कोई भी यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता ही होगा एलोवेरा, एलोवेरा एक कॉमन नेम है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, ये प्लांट होता है एक. बट आपको ये पता होना चाहिए कि एलोवेरा बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, बट जो बेस्ट स्पीसीज होता है बार्बाडेंसिस मिलर नाम है उसका, अगेन डिटेल में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस बारे में, बट
परपेटेंसिस मिलर से ही ये पूरा का पूरा बना होता है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है. ओके, सो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन. जैसे आपको बता रहा था कि जब भी हम एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन देते हैं किसी न्यूट्रिशन का, सपोज आप कोई मल्टीविटामिन टेबलेट खा रहे हो और अगर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो आपकी बॉडी से वो ऐसी फ्लश आउट हो जाता है. बट हमारे पास एक प्रोडक्ट है एलोवेरा. फर्स्ट वी ड्रिंक एलोवेरा टू क्लियर, टू क्लीन अवर सिस्टम. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन, तो इट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट. ओके, सो एलोवेरा इट इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, या ये बोलेंगे दिस इज द एक तरीके से फेस ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर एलोवेरा जेल. ऑलराइट, तो कैसे पीना है, क्या पीना है, अगेन इसको हम कल देखेंगे, बट इस हम जस्ट वॉक थ्रू कर रहे हैं इसका. इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज गुड फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम, एंड इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन. और बाकी आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली यू विल फील मोर एनर्जेटिक ऑल्सो. ऑलराइट, फिर दूसरा जो ड्रिंक है दैट इज एलो बेरी नेक्टर. एलो बेरी नेक्टर, ओके, अगर हम ये यहाँ पे इस वाली फोटो में देखें तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज एलो बेरी नेक्टर. इसमें भी एलोवेरा होता है बट साथ में क्रैनबेरी एंड एप्पल का कॉन्सेंट्रेट भी होता है. ओके, उसका जूस भी होता है क्रैनबेरी एंड एप्पल. तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले बोला, इस जो नॉर्मल जो एलोवेरा है उसके अंदर 99.7% एलोवेरा है, प्योरेस्ट एलोवेरा, एंड इसमें 90.7 एलोवेरा, एंड देन उसके अलावा एप्पल एंड क्रैनबेरी, ये दो चीजें भी होती है इसके अंदर, जो कि इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है. ओके, विटामिन सी तो है ही बट इट वर्क्स एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. तो अगर हम एक्सपीरियंस में बोले, एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात अगर मैं करूं तो मीठा होता है, थोड़ा सा पीने में थोड़ा सा मीठा होता है, टेस्टी होता है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है. तो इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि हम डेली यूज में इसको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड द पावर ऑफ एलो तो है ही इसके साथ. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का है वो है फॉरएवर एलो पीचेस. तो इस बोतल में थर्ड बोतल फॉरएवर एलो पीचेस. देखिए जो मैं पूरा वॉक थ्रू दे रहा हूँ ना, आपने अगर आप पहली बार कैटलॉग देख रहे हैं तो आप हम सभी लोगों को ना जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके नाम पता होने चाहिए. मैं आपको वॉक थ्रू क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज अगर एज अ लीडर आपको ये मैं बोल दूं कि यार ये कैटलॉग देख लो या ये बुक पढ़ लो, तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये स्टैटिस्टिकल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि 90% लोग जो बुक्स खरीदते हैं ना, जो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 90% लोग उसको फिनिश नहीं करते हैं. 60% लोग जो बुक खरीदते हैं वो कभी बुक को पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करते, सिर्फ पहले के एक दो पेजेस पढ़ते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं. ये स्टैटिस्टिकल डेटा, ये फैक्ट है. ओके, 60% लोग बुक पढ़ते ही नहीं है, खरीद के रख लेते हैं जस्ट खरीदने का शौक. 90% लोग जो जनवरी मंथ में जिम जाते हैं, जिम जाने का रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो कभी उसको रेगुलर आगे कंटिन्यू कर नहीं पाते. 90% लोग ऐसे होते हैं जो जनवरी में जिम में आते हैं. ओके, मैनी पीपल स्टार्ट देयर कॉलेज बट नेवर फिनिश. मैनी मतलब इसको स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज स्टार्ट तो करते हैं बट वो उसको फिनिश नहीं करते. There are many people who start network marketing business, but they don't achieve success. There's many people like this. In such webinar, इस टाइप के जो वेबिनार होते हैं ना, उसमें मैं भी और या आगे जितने स्पीकर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कुछ किताबें पढ़ो, और 90% लोग जो सुनते हैं कि यार ये किताब के बारे में वो बता रहे हैं, 90% लोग वो बुक को कभी पढ़ते ही नहीं. ठीक है, तो ये मुझे पता है. आज अगर आप इस वेबिनार में हैं, जितने भी लोग इस वेबिनार को अभी सुन रहे हैं, आप में से 90% लोग कैटलॉग को पढ़ेंगे ही नहीं. ओके, ये फैक्ट है. अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे जब आपको बिजनेस थोड़ा सा और आपको चस्का लगेगा. बट मैं आपको बोल दूं, जस्ट मेक श्योर कि आप 90% में ना हो. ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप लोग भी प्रोडक्ट कैटलॉग को खोल के देखिए, उसमें से पढ़िए कि फॉरएवर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है वहां पर. क्या आप उस 90% में तो नहीं है, जस्ट चेक. और एक और स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है कि अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप में 70% लोग तो मैसेज पढ़ते ही नहीं है. ओके, एंड अगर एक मेंटर आपको बोलता है, अगर आपका एक कोच आपको बोलता है कि यार ये एक वीडियो देखो, मोटिवेशनल या प्रोडक्ट ओरिएंटेड वीडियो देखो, तो 90% लोग वो वीडियो को देखते ही नहीं, और देखते भी है तो पूरा नहीं देखते. ठीक है, तो मोस्ट पीपल हु स्टार्ट डोंट फिनिश. और मैं चाहता हूं कि आप अगर इस वेबिनार में हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, आपने स्टार्ट तो करा है,
प्रॉपर फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट तो हुआ है, फिनिश भी प्रॉपरली करिए। तो हमारे जो मेंटर हैं दीपक मुखर्जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको बोलते हैं कि काम के बारे में प्लानिंग करना काम करना नहीं होता, काम के बारे में सोचना काम करना नहीं होता, काम को शुरू करना भी काम करना नहीं होता, काम को करते रहना भी काम करना नहीं होता, बट काम को सही तरीके से खत्म करना ही काम होता है। तो मैनी पीपल स्टार्ट बिजनेस बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु फिनिश इट। ओके, तो इससे पहले कि मैं वॉक थ्रू दूं और आगे, बी वेरी वेरी अलर्ट एंड ऑल्सो मेक श्योर आफ्टर दिस सेशन आप भी कैटलॉग को अपने हाथ में लेके या पीडीएफ जो भी पढ़ रहे हैं गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। एटलीस्ट सबके प्रोडक्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, उन 90% में आप लोग ना हो। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। फॉर एवर एलो पीचेस, तो दिस इज अ थर्ड ड्रिंक। पीचेस हिंदी में बोलेंगे तो आड़ू, तो एलोवेरा तो है ही, 84.5% एलोवेरा, और उसके साथ साथ पीचेस भी होता है इसमें। ठीक है, तो अगेन इट इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट व्हिच इज वेरी गुड फॉर मेनी मेनी थिंग्स अवर हमारी बॉडी के लिए, खासकर आंखों के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये जो भी प्रोडक्ट है फॉर एवर एलो पीचेस, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी टेस्टी इन टेस्ट। ओके, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो दीज आर द 3 ड्रिंक्स। ओके, और तीनों में ही एलोवेरा भरपूर है और एलोवेरा इज द प्योरेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट 3 ड्रिंक्स। देन द सेकंड कैटेगरी इज बी, बी प्रोडक्ट। ओके, तो फॉर एवर हमारी कंपनी के 2 प्रोडक्ट आते हैं बी प्रोडक्ट में। वन इज फॉर एवर बी हनी एंड द अदर इज फॉर एवर रॉयल जेली। ये 2 प्रोडक्ट है हमारे। ओके, अब हनी तो बहुत सारी कंपनी बना रही है, हमारी कंपनी में ऐसा खास क्या है? अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी बेस्ट हनी इन दी वर्ल्ड या सर्च करेंगे बेस्ट एलोवेरा इन दी वर्ल्ड, आप हमेशा फॉर एवर ए प्रोडक्ट सबसे ऊपर देखेंगे। कोई भी कंपनी ना बी हनी नहीं लिखती, बी वर्ड यूज नहीं करते वो लोग, ओनली हनी। हनी का मतलब होता है शरबत, ओके, या मीठा कुछ। तो दिस इज अ बी हनी, प्योरेस्ट हनी जो कि स्पेन में बनता है, फॉर एवर का ही पूरा प्रोडक्शन है एंड दिस इज प्योरेस्ट हनी। ओके, हम अगेन प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे इन डेप्थ, बट दिस इज अ प्योरेस्ट हनी। हनी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, दैट इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, बट इट इज द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, 100% नेचुरल। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर एवर रॉयल जेली। फॉर एवर रॉयल जेली जो है दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट, जो कि एक तरीके से जो रानी मधुमक्खी होती है, एक छत्ते में आप देखेंगे 3 टाइप की मधुमक्खी होती है, वर्कर भी, और एक होती है होम बी जो घर में रहती है और जो छत्ते में रहती है, और एक होती है क्वीन बी। तो जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी जो खाना खाती है दैट इज रॉयल जेली। ठीक है, और 50 टाइम्स ज्यादा वो जीती है। एक तरीके से इट वर्क्स एज एंटी एजिंग की तरह काम करता है ये। इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन इन एंड ब्रेन फंक्शन एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। तो मीठा होता है खाने में, ठीक है, और इसको बस मुंह में रखो और थोड़ा सा उसको चूसते चूसते इसको खा लो, पानी से नहीं लेना होता है, तो दिन में 2 लेना होता है ऐसे करके। तो इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि यूजुअली ऐसा नहीं कि बीमारों को, बट हर किसी को उसको खाना चाहिए। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड ओवरऑल इम्यूनिटी। राइट, सो ये 2 प्रोडक्ट है हमारे बी के, फॉर एवर बी हनी एंड फॉर एवर रॉयल जेली। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर एवर रॉयल जेली, प्रोडक्ट के नाम याद करिए। थर्ड कैटेगरी इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में आप देखेंगे दिस इज फॉर एवर फेवरेट, फॉर एवर फेवरेट करके कहीं के लिखा होता है। फॉर एवर फेवरेट का मतलब दिस इज वन ऑफ द, एक तरीके से आरजी प्लस एक प्रोडक्ट है हमारे कंपनी का, जो इट इज इसको बोलते हैं, इसके अंदर एल आर्जिनिन होता है। एल आर्जिनिन इज अ मिरेकल मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है इसको, मिरेकल मॉलिक्यूल। ओके, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ भी है, इज इट नोन एज, इट इज नोन एज एल आर्जिनिन। ये कॉम्पोनेंट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारा ब्लड फ्लो को हमारे प्रॉपर, देखिए हमारा जितना भी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी में, देखिए फॉर एवर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, बस ध्यान से एक बार सोचिए। कोई भी न्यूट्रिशन अगर हम खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में तभी लगेगा जब हमारी बॉडी क्लीन होगी। क्लीन करने के लिए हमारे पास एलोवेरा है। हमारी बॉडी में अगर कोई न्यूट्रिशन हम डालते हैं तो न्यूट्रिशन सेल लेवल पे या हमारे जो भी मेजर बॉडी पार्ट्स है वहां पे कैसे जाएगा? व्हाट इज द कैरियर ऑफ न्यूट्रिशन? ब्लड, खून से ही सब न्यूट्रिशन पहुंचता है सेल तक। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और ब्लड फ्लो प्रॉपर हो उसके लिए
पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो, ब्लड फ्लो हो, उसके लिए वी हैव आरजी प्लस। एंड देन उसके साथ यहाँ पर विटामिन एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी हैं जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एंड बहुत सारी चीजों को, मतलब ये एक तरीके से न्यूट्रिशन की जो भी कमियां हैं वो सब चीजों को फुलफिल करता है ये। ओके, एलोवेरा में अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन, प्रॉपर एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ दी न्यूट्रिशन थ्रू आरजी प्लस, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं इसके अंदर जो कि हमारे ब्लड वेसल को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करता है, और बहुत सारे इसके अंदर विटामिन एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी हैं। तो इट हेल्प्स टू बूस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सपोर्ट्स हेल्दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, अमेजिंग प्रोडक्ट। तो मैंने खुद इसको यूज करा है, आपको भी यूज करना चाहिए इसको। अगेन ये एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोग करते ही। और आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिशन में, दैट इज फॉर एवर सी प्लस, क्योंकि इसका नाम ही सी प्लस है, तो डेफिनेटली इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली फॉर द फ्री रेडिकल अटैक जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके एक फिनोमेना होता है हमारी बॉडी में कि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर वो हमारे सेल लेवल तक जाता है, फिर जैसा आपको पता होगा एक एनर्जी जब दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बीच में कुछ वेस्ट मटेरियल कुछ निकलता है। ओके, तो वो जो वेस्ट होता है, वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रलाइज हो, उसके लिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, बेटर इम्यूनिटी सिस्टम, बेटर स्किन, स्किन और हमारी टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा होता है ये विटामिन सी। सो इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसके अंदर आंवला भी होता है, वेरी वेरी गुड फॉर एंटायर बॉडी। ओके, नेक्स्ट अगेन रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आरजी प्लस, फॉर एवर सी प्लस, देन वी हैव फॉर एवर एक्टिव एच ए। एक्टिव एच ए, इसको ये जो प्रोडक्ट है ये फिलहाल अभी अराइविंग सून, कमिंग सून इन इंडिया है, और ये बेसिकली जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम या स्किन एज अ स्किन मॉइस्चराइजर की तरह ये बहुत हेल्प करता है हमारी स्किन के लिए और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इसके अंदर जिंजर एंड टर्मरिक भी होता है, जिंजर ऑयल भी होता है। ओके, तो वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स बेसिकली। ओके, फॉर एवर एक्टिव एच ए, देन वी हैव फॉर एवर एक्टिव प्रोबायोटिक। आपने सुना होगा कुछ एक प्रोडक्ट याकुल्ट, याकुल्ट हम पीते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रोबायोटिक कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है फॉर एवर एक्टिव प्रोबायोटिक, ये टेबलेट के फॉर्म में होता है, एक दिन में एक खानी होती है, इट हैज 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया, 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया, जो कि अल्टीमेटली हमारा गुड बैक्टीरिया जब होता है हमारी बॉडी में तो हमारे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इंटेस्टाइन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो सब ठीक होती है, जब वो ठीक होती है तो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बढ़ता है एंड इम्यूनिटी सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो एक्टिव प्रोबायोटिक इज फॉर मेन बेसिकली फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। देन वी हैव आर्टिक सी, अगेन फॉर एवर फेवरेट प्रोडक्ट। आर्टिक सी हैज ओमेगा 3, और आप लोगों को आई होप कि पता ही होगा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9, दीज आर वेरी वेरी गुड फॉर अवर बॉडी, जो कि फिश ऑयल, इसके अंदर रेड मार्क है, ये फिश ऑयल होता है इसके अंदर। एंड ये आर्टिक सी नाम क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज जो प्योरेस्ट एक तरीके से जो मछलियां होती है ना, मछलियां भी कौन से पानी में है, वो पानी पॉल्यूटेड तो नहीं है, तो आर्कटिक सी का जो पानी होता है वो बिल्कुल भी पॉल्यूटेड नहीं होता। तो इट इज अ प्योरेस्ट एक तरीके से नेचुरल सोर्स ऑफ रिफाइंड कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड वाटर, जो फिश ऑयल होता है वहां से निकाला जाता है, एंड इट इज वेरी वेरी गुड। ये जो ओमेगा 3 होता है ना वो बहुत अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए, ब्रेन के लिए और हमारे जॉइंट्स के लिए भी। ओके, सो ब्रेन, आइज एंड हार्ट, तो इट इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि अगेन ऐसा नहीं कि बीमार लोग, इवन जो अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप वैसे भी हेल्दी हैं, तो देन ऑल्सो टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की सेशन में कि टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, फूड, वाटर एंड एयर तीनों चीजें इतनी टॉक्सिकेटेड हो चुकी हैं कि वी डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, तो दीज आर सम ऑफ द न्यूट्रिशन विच वी कैन टेक टू फुलफिल दोज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। ओके, देन देयर इज विटुलाइज मेन, ये भी एक सप्लीमेंट है स्पेशली फॉर मेन। मेन ऐसा क्यों नाम बोला गया, बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर विटामिन और सब चीजें तो है ही, पंपकिन सीड है, ये सब चीजें हैं, बट अच्छी बात क्या है कि इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर प्रोस्टेट हेल्थ। ओके, तो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए इट इज वेरी गुड, एंड हार्मोनल सपोर्ट के लिए इट इज ऑल्सो वेरी गुड विथ सम विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो। ओके, देन वी हैव फॉर एवर इम्यू ग्लैंड, नामी इम्यू ग्लैंड, इम्यू करके है तो इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन
विटामिन डी सी जिंक की जो कमी होती है तो किसी के अंदर, इट इज वेरी गुड। तो एक पॉपुलर जैपनीज मशरूम होता है, मेटेक करके नाम है, तो वो इसके अंदर है, जो कि इट इज वेरी वेरी गुड टू बूस्ट अवर इम्यूनिटी सेल्स, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इम्यू प्लांट, तो जिसको बहुत जल्दी जल्दी बुखार, फीवर, सॉरी बुखार और कोल्ड और ये सब चीजें जल्दी जल्दी बीमारियां पड़ जाती हैं, तो वो लोग एलोवेरा तो लें, साथ में इम्यू प्लांट लेंगे तो थोड़ा सा इम्यूनिटी सिस्टम आपकी स्ट्रांग होगी। देन वी हैव अगेन वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर एवर फाइबर। फाइबर डेली हमारे बॉडी में जाना चाहिए, विच इज वेरी गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेट मैनेजमेंट। तो ये वेट मैनेजमेंट में भी प्रोडक्ट यूज होता है, अगर किसी को वेट कम करना है तो फाइबर यूज कर सकते हैं साथ में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, एंड इट इज वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन में तीन प्रोडक्ट्स हैं, विटुलाइज मैन, फॉर एवर इम्यू प्लांट, फॉर एवर फाइबर। जस्ट स्टार्ट करिए इन सभी प्रोडक्ट्स से, फैमिलियर होइए धीरे धीरे करके। एक और न्यूट्रिशन है फॉर एवर एक्टिव प्रो भी, जो प्रोबायोटिक था वो अब किस नाम से आएगा, न्यू आएगा, ठीक है, तो अभी आया नहीं है। तो अगेन इट इज इट हैज वेरी गुड, मतलब इस तरीके से 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। इट इज कमिंग सून। अगेन एक और फॉर एवर फेवरेट प्रोडक्ट है, अगेन कमिंग सून, ये आने वाला है अभी, विच इज फॉर एवर मूव। फॉर एवर मूव जो होता है, जैसे अर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम होती है, बोन्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, या जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, उन लोगों के लिए दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। ओके, गुड फॉर ज्वाइंट्स कंफर्ट। तो ये प्रोडक्ट इट इज अराइविंग सून इन इंडिया, सो अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है आउटसाइड इंडिया अभी, फॉर एवर मूव। ओके, आई होप यू आर गेटिंग फैमिलियर विद द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा वेट गेन या वेट लॉस, यहाँ पे लिखा है वेट मैनेजमेंट। तो जो लोग पतले हैं वो थोड़े से मोटे हो जाएंगे हेल्दी, और जो लोग मोटे हैं वो लोग थोड़ा सा स्लिम हो जाएंगे, बिकॉज इट गिव्स यू प्रॉपर वेट मैनेजमेंट। ओके, तो वी हैव टू पाउडर, ओके, टू पाउडर्स, वन इज फॉर एवर लाइट अल्ट्रा वनीला, एंड देन द अदर इज चॉकलेट। ये जो है, ये एक तरीके से इसके अंदर सोए प्रोटीन होता है, और सारे वनीला, सॉरी सारे विटामिन मिनरल सब चीजों का कॉम्बिनेशन तो है ही, ये सोए प्रोटीन से बना होता है, जो कि अ सिंपल शेक, जो कि आप ब्रेकफास्ट या डिनर में ले सकते हो। इसके अंदर 18 विटामिन एंड ऑल दी मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो खाने और पानी से हमें नहीं मिल पा रहा है। तो या तो आप वन स्कूप दूध में मिलाकर और शेक कर इसको पी सकते हो। ओके, अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी होना है तो फिर एलोवेरा तो आप ले ही रहे हो, बॉडी में आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो ही रहा है, साथ साथ में अगर आप फुल क्रीम दूध में इसको पीते हो तो थोड़ा सा आपके अंदर फैट भी मतलब एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये दो फ्लेवर में आता है, फॉर एवर लाइट अल्ट्रा वनीला एंड चॉकलेट। देन वी हैव गार्सिनिया प्लस, जो कि खाना खाने से आधे घंटे पहले लेना होता है। इट इज एपेटाइट रिडक्शन करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ना हो जाए, इसलिए खाना खाने से पहले ये खाना होता है। ओके, और जो भी एक्सेसिव जो फैट हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, जो जम जाता है, वो ना जमे, उसके लिए ये हेल्प करता है गार्सिनिया। गार्सिनिया इज द नेम ऑफ अ प्लांट, सॉरी फ्रूट, गार्सिनिया कॉम्बोज इज द नेम ऑफ अ फ्रूट। ओके, तो एक्सेसिव फैट हमारी बॉडी में जमा ना हो एंड हम कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग ना कर जाए, तो दोनों में हेल्प करता है ये। ऑलराइट, अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट फॉर एवर लाइट अल्ट्रा एंड गार्सिनिया प्लस। मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं अभी। ओके, अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्बो, ठीक है। कॉम्बोज है वेट मैनेजमेंट, अगर किसी को करना है तो उसके लिए एक कॉम्बो बॉक्स है हमारे पास इंडिया में, फॉर एवर, जिसमें दो एलोवेरा की बोतल होती है, एक लाइट अल्ट्रा होता है वनीला या चॉकलेट ले लो आप, गार्सिनिया प्लस होता है, फाइबर एंड मेजरिंग टेप, शेकर एंड स्किपिंग रोप, ये पूरा एक कॉम्बो पैक है। ओके, फिर एक और कॉम्बो पैक है जिसमें आरजी प्लस आता है, लाइट अल्ट्रा, गार्सिनिया, फाइबर, मेजरिंग टेप, शेकर एंड स्किपिंग रोप। तो ये जो होता है, ये वाला जो है, दिस इज फॉर द जंप स्टार्ट, मतलब कि जब आप एक तरीके से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस वाले को यूज करो, कॉम्बो पैक वन को। कॉम्बो पैक टू को आप तब यूज करिए व्हेन यू आर डूइंग सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एंड एंथुसियास्ट जो लोग हैं, जो लोग जिम विम जाते हैं, उन लोगों के लिए कॉम्बो पैक टू इज बेटर। तो
तो ये दो कॉम्पो हैं। बाकी हमारे कैटलॉग में बड़े अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि कैसे अपने न्यूट्रिशन को, ये जो है लाइट अल्ट्रा है, इसको कैसे और ज्यादा कॉम्बिनेशन में इंग्रेडिएंट में मिलाकर कैसे और इसको टेस्टी कर सकते हैं। ओके, एलोवेरी नेक्टर को वाटरमेलन में मिलाकर, मिंट लीफ कुकुम्बर चंक मिलाकर, आधा नींबू निचोड़ कर बहुत टेस्टी से ड्रिंक बन सकती है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं विच यू कैन गो थ्रू। फिर मैन ग्रूमिंग रेंज, मैन ग्रूमिंग के लिए वी हैव सम प्रोडक्ट्स। तो ये जस्ट एक कॉम्बोज है विच वी कैन, मतलब एक तरीके से बहुत इजी होता है समझने के लिए कि बड़े लोगों को क्या दें। तो एलोवेरा प्रोबायोटिक एंड फाइबर बड़े लोगों के लिए डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो स्पोर्ट्स में है उन लोगों के लिए, बाहर धूप में खेलेंगे सनस्क्रीन अच्छा रहेगा, लाइट हल्का हीट लोशन है, आगे देखते हैं जॉइंट्स के लिए क्या दें। तो हमारी कैटलॉग में प्रॉपर लिखा हुआ है और मतलब एक तरीके से कॉम्बो करके लिखा हुआ है। ओके, अलग अलग सेक्शन में। नाउ लेट्स कम टू स्किन केयर। अब स्किन केयर में वी हैव इंफानाइट एक सीरीज है एक तरीके से, और इसके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर कमिंग सून इन इंडिया, जिसमें क्लेंजर एक तरीके से फेस वॉश समझ सकते हैं, सीरम जो कि फेस वॉश करने के बाद लगाने के लिए है, फिर फर्मिंग कॉम्प्लेक्स करके रेटिन एक क्रीम है, एंड रिस्टोरिंग क्रीम जो कि रात को सोते हुए लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें कमिंग सून इन इंडिया है, तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो कुछ इस तरीके से है। सो यूके में और बाकी कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वेरी सून वी विल हैव इट इन इंडिया ऑल्सो। तो अगेन फॉर एवर फेवरेट मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू स्किन केयर। एक फॉर एवर का ही एक अपना सब ब्रांड है, इसको बोलते हैं सोनिया। ओके, सोनिया डेली स्किन केयर के हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें क्लेंजर आता है, दिस इज कंप्लीटली जेल पेस्ट क्लेंजर, इल्यूमिनेटिंग जेल, जेल मास्क एंड देन मॉइस्चराइजर। तो ये एक रूटीन में एक तरीके से किट आती है, ये जो कि फॉर एवर एसेंशियल करके इसमें लिखा हुआ है कि एसेंशियली इट डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, इट डजेंट मैटर कि कौन सा जेंडर है, बट ये है कि इट सूट्स एवरी स्किन टाइप। ओके, बिकॉज एलोवेरा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हर एक स्किन में जल्दी से अडेप्ट हो जाता है। ओके, सो आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि अगर आपके किसी नोन की बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी है या कुछ भी है, दिस इज अ ब्रिलियंट। आप देखो किसी को न्यूट्रिशन दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा दवाई के फॉर्म में है, लेकिन अगर किसी को आप किस टाइप के प्रोडक्ट देते हैं स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, तो दीज आर वेरी गुड फॉर गिफ्ट्स ऑल्सो। सेल्फ यूज तो करिए करिए डेफिनेटली, बट दीज आर मार्वेलस प्रोडक्ट एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस जेल क्लींजर। बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन होगा। अगेन इन डेप्थ प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आई विल लेट यू नो कि कहाँ से आप और ज्यादा ट्रेनिंग प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं, दैट आई विल टेल यू इन द फिफ्थ सेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलो एक्टिवेटर एंड एलो आई क्रीम, ये अभी इंडिया में कमिंग सून। ओके, ये सारे का सारा डे लोशन और ये जितना भी है टोनर है, ये सब चीजें इंडिया में दीज आर कमिंग सून। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर, लॉट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर लॉन्चिंग इन इंडिया। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं अभी। ये एलो बायो सेलुलोस मास्क है, जो कि फेस पर लगा के रख सकते हैं, वेरी गुड फॉर योर फेस हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगेन कमिंग सून इन इंडिया, अराइविंग सून। ओके, नाउ स्किन केयर में ही जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है हमारे पास इंडिया में, दैट इज अल्फा ई फैक्टर। अल्फा ई फैक्टर इट्स इट इज अ काइंड ऑफ सीरम के फॉर्म में मान लीजिए, या ये क्या होता है कि इसके अंदर विटामिन ए ई एंड सी, तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उनके लिए बहुत अच्छा है अल्फा ई फैक्टर। जस्ट ड्रॉप ड्रॉप करके इसको यूज कर सकते हैं फेस पे या ओवरऑल पूरी बॉडी में। सनस्क्रीन लोशन, ठीक है, इट हैज इसमें कितना UVA UVB रेस से हमें बचाता है, तो सनस्क्रीन लोशन है हमारे पास। देन वी हैव मरीन मास्क, ठीक है, तो मास्क लगाते हैं ना फेस पे, जिसमें जो भी डर्ट और जो भी चीजें होती है हमारे स्किन से तो निकल जाती हैं, तो मरीन मास्क लगा सकते हैं। देन वी हैव एपी ब्लैंक क्रीम विच इज वेरी गुड फॉर डार्क स्पॉट्स। तो बहुत सारे लोगों के फेस पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिंपल विंपल निकलते हैं, तो डार्क स्पॉट्स पे, या फिर कुछ लोगों की जो स्किन मतलब ओल्डर लगने लग जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके, इसके अंदर भी एलोवेरा होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ई इज अ विटामिन ऑफ स्किन, तो नेचुरल प्रोडक्ट है एपी ब्लैंक। रूटीन में इसको हम यूज कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव कि कैसा वेदर है, सर्दी हो या गर्मी हो, हर वेदर में इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव जेंटलमैन प्राइड आफ्टर शेव लोशन। ओके, तो मैन ग्रूमिंग किट का ही पार्ट है, मैन ग्रूमिंग के लिए एज अ गिफ्ट ऑल्सो इट इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ यूज। आफ्टर शेव हो गया ये,
आखिरी फैक्टर अगेन इट इज वेरी गुड, जिसकी स्किन फेस स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई है उसके लिए R3 3R रिटेन रिस्टोर एंड रिन्यू। सो अगेन इट हैज विटामिन सी विटामिन ई एंड बहुत सारे इसमें मेक्स इट अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अवर फेस स्किन। देन वी हैव एलो लिप्स, ये फॉर एवर फेवरेट है लिप बाम, ओके फॉर एवर एलो लिप्स। इसमें लिखा हुआ है विद जोजोबा, जोजोबा को वैसे प्रोनाउंस करते हैं होहोबा, ओके तो होहोबा एक जड़ी बूटी होती है तो वो हमारे स्किन इसमें लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। ओके तो लिप बाम जिसको आप हमेशा अपने पॉकेट में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, हमेशा इसको कैरी कर सकते हैं अपने पास, तो वेरी गुड फॉर चैप्ड एंड ड्राई लिप्स। देन वी हैव अगेन फॉर एवर फेवरेट प्रोडक्ट फॉर एवर एलो हीट लोशन। एलो हीट लोशन जो है ये एक तरीके से जैसे वोलिनी होता है उस टाइप का प्रोडक्ट है, जो कि जब मूव मूव टाइप का मान लीजिए तो ये मसल्स में मसल्स पेन या फिर जॉइंट्स पेन में आप इसको प्रॉपर मालिश कर सकते हैं अपने जॉइंट्स में अगर आपको कभी पेन होता है तो जो लोग स्पोर्ट्स में हैं और जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग वैसे भी कुछ इंजरी विंजरी होती रहती है तो एलो हीट एक तरीके से हर घर में होना चाहिए। इट शुड बी द पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट में होना चाहिए आपका हमेशा ये, ओके फॉर एवर एलो हीट। देन वी हैव एलोवेरा जेली, मल्टीपर्पज क्रीम, मल्टीपर्पज है स्किन में, स्किन के लिए इट इज वेरी गुड। एलो लोशन जो ज्यादा चिपचिपा सा नहीं होता, कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। एलो लोशन पूरे बॉडी में लगा सकते हो, नॉट स्पेशली फॉर फेस बट पूरी बॉडी में लगाने के लिए इट इज वेरी गुड। एमएसएम जेल को इन कॉम्बिनेशन विद एलो हीट आप लगा सकते हैं, जब एक तरीके से स्किन के लिए तो अच्छा है ही बट जॉइंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ओके देन एलो स्क्रब, स्क्रब आपको लोगों को आई आई होप कि पता ही होगा, तो फेस पे लगाने के लिए है ये स्क्रब। ओके तो विच इज मतलब आपके फेस पे जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं इट हैज माइक्रो बीड्स जो कि प्रॉपर फेस को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन वी हैव प्रोपोलिस क्रीम, प्रोपोलिस क्रीम जो है दिस इज मतलब एक तरीके से हर घर में ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए, बिकॉज ये जो एक क्रीम है इट इज एक तरीके से मल्टीपर्पज क्रीम, जब भी एक तरीके से एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल क्रीम की तरह इसको यूज कर सकते हैं। प्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें जो वैक्स होती है ना, ये वो वैक्स से बना होता है जो कि वेरी प्रोटेक्टिव, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन के ऊपर लगा देता है, उससे मतलब बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इट इज वेरी गुड। देन वी हैव मॉइस्चराइजिंग लोशन, अगेन विंटर्स के लिए इट इज वेरी गुड। देन वी हैव सन लिप्स, स्पेशली जो सन में हम लोग जाते हैं तो लिप्स को मतलब सेव करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज से, तो इसमें सन लिप्स के लिए इसमें कुछ एलोवेरा भी होता है। ओके तो दिस इज लिप बाम। देन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, एलो फर्स्ट, एलो फर्स्ट एक स्प्रे है जो कि जिसके अंदर एलोवेरा ही होता है बट माइनर कट बॉडी में लग जाए, एक तरीके से डेटॉल का सब्सिट्यूट मान लीजिए आप, माइनर बर्न्स, सनबर्न, माइनर कट या स्क्रैप, तो बस आप इसको छिड़किए अपने स्किन के ऊपर एंड इट इज जस्ट काइंड ऑफ डेटॉल की तरह ये काम करता है। अगेन फॉर एवर फेवरेट एमपीडी, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, तो कारपेट साफ करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाथरूम के लिए, फ्लोर के लिए, मल्टीपर्पज है ये, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट एमपीडी। तो दीज टू आर फॉर एवर फेवरेट। आई होप कि आप लोगों को प्रोडक्ट के नाम पता चल रहे हैं। ओके फॉर एवर फर्स्ट, फर्स्ट एड किट के लिए एमपीडी फॉर मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, कारपेट, डिशेज, लॉन्ड्री, एवरीथिंग, फ्लोर, बाथरूम के लिए। देन वी हैव फॉर एवर सैनिटाइजर ऑल्सो, हैंड सैनिटाइजर, इसकी जो खुशबू है जबरदस्त खुशबू है इसकी और सैनिटाइजर है, और 80% ऑफ ऑल द इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे जो खासकर बच्चों को जो होते हैं वो हाथों से ही होते हैं, और आजकल एनसीआर में तो स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके तो स्वाइन फ्लू इस टाइप के जो फ्लू फ्लू होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेबल जो डिसीजेज जो होती हैं वो डिसीजेज के लिए मतलब इट इज अ मस्ट हैव विद यू। इवन बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो हैंड सैनिटाइजर हमेशा उनको दें, तो बहुत अच्छा हैंड सैनिटाइजर है हमारे पास, फॉर एवर हैंड सैनिटाइजर। देन शैम्पू एंड कंडीशनर, होहोबा शैम्पू है, ओके विच इज वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेयर हेल्थ एंड स्कैल्प हेल्थ। देन लेट्स मूव अहेड, वी हैव एलो हैंड सोप, नाम तो हैंड सोप है बट इतना प्योर है कि आप इसको मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी में भी इसको लगा सकते हो, ऐसा लिक्विड 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 सोप की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर वी हैव एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, तो एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं इसको या ओवरऑल बॉडी के लिए भी। एलो शेव शेविंग जेल है,
मतलब मैन ग्रूमिंग किट का पार्ट है ये, फॉरएवर फेवरेट है ये भी। तो हमारे पास शेविंग जेल भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो प्रोडक्ट के नाम ही नहीं पता। आज का जो वॉक थ्रू है ना, किस प्रोडक्ट के नाम तो पता चल रहे हैं आपको। देन वी हैव फॉरएवर ट्रेवल किट, जिसके अंदर सारे कुछ कुछ प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइजर, बाथ जेली, होबा शैम्पू, होबा कंडीशनर एंड ब्राइट टूथ जेल, टूथपेस्ट। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट भी हैं छोटे छोटे पैक में एज अ किट। देन वी हैव अ एलो एवर शील्ड, जो कि डियो 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 स्टिक है, रोल ऑन डियो स्टिक। ओके, तो बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ही अच्छी सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, और जो पसीनों की जो स्मेल होती है, उस स्मेल को ये दबा देता है। और पसीना जो, क्योंकि इसमें एलोवेरा होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर अवर स्किन ऑल्सो, हमारे स्किन के लिए अच्छा है बल्कि उल्टा। बाकी अगर हम मार्केट से कोई डिओड्रेंट छिड़कते हैं ना स्किन के ऊपर, दैट इज वेरी बैड फॉर द स्किन। ओके, पर्सनल केयर, तो पर्सनल केयर में ये जो मस्कारा है, ये भी फिलहाल तो इंडिया में नहीं है, बट ये है, वी हैव परफ्यूम ऑल्सो, मैन एंड वुमेन परफ्यूम। तो मैं अपनी गाड़ी में हमेशा परफ्यूम रखता हूँ ये अपना, और मेरी जो वाइफ है सौम्या, वो भी परफ्यूम यूज करती है, ये वुमेन परफ्यूम। तो अच्छा फ्रेग्रेंस है इनका, अब इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फ्रेग्रेंस तो आप जब खुद से ट्राई करेंगे तभी आप तभी पता चलेगा। देन वी हैव ब्राइट टूथ जेल, अगेन दिस इज फॉर एवर फेवरेट, ब्राइट टूथ जेल सबसे ज्यादा बिकने वाला। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, दिस इज अ टूथ जेल जहाँ पे फ्लोर, जिसमें फ्लोराइड नहीं है। फ्लोराइड हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो फ्लोराइड हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो। ठीक है, तो नॉन फ्लोराइड फॉर्मूला, एलोवेरा तो है ही, बी प्रोपोलिस है, पेपरमिंट का और स्पेयरमिंट का एक तरीके से टेस्ट है। सो वेरी गुड फॉर ओवरऑल माउथ, पूरे माउथ हेल्थ के लिए ये अच्छा है, ओरल हेल्थ के लिए, दांतों के लिए, गम्स के लिए, और बैड ब्रेथ, हर चीज के लिए दिस वेरी गुड। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रूटीन में हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट में लिटरेचर एंड मर्चेंडाइज, तो हमारी कंपनी जो है, देखिए अच्छी बात क्या है कि डू वी हैव टूल्स, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में तो है, बट फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर नॉलेज के लिए हम और कहाँ से लें, मतलब एक तरीके से नॉलेज कहाँ से लें। तो प्रॉपर हमारे पास बुक्स हैं गुड हेल्थ, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। देन वी हैव कंपनी पॉलिसी बुक, ठीक है, और भी फाइन लाइन एंड सक्सेस लिंक, योर अपलाइन, इन सभी बुक्स को आई रिकमेंड कि आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, इन सभी बुक्स को परचेज करिए। सस्ती बुक है, 35 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, सस्ती बुक्स हैं, इन सभी बुक्स को अपने पास रखिए, बिकॉज दीज आर दी टूल्स ऑफ अवर बिजनेस। नॉलेज इज द बिगेस्ट एसेट, और वो एसेट आपका बढ़ाता है जब आप इन सब टाइप की किताबों को पढ़ते हैं। तो कुछ कुछ मर्चेंडाइज भी हैं जो कि बहुत अच्छा करता है, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो फॉर एवर ब्रांडिंग होती है इससे। एंड देन कैसे प्रोडक्ट को परचेज करना है, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फॉर एवर के ऑफिस कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, उसकी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद देयर टाइमिंग्स, ये सब चीजें हमारी प्रोडक्ट कैटलॉग में मेंशन है। ओके, तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कैटलॉग लास्ट में, जहां पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख के आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कैटलॉग। तो ये कैटलॉग जो मैंने आपको पीडीएफ में शो करा है, इसी कैटलॉग को आप हेलो स्टोर से, मतलब अपने लॉग इन से, फॉर एवर लिविंग वेबसाइट में लॉग इन करके आप परचेज कर सकते हैं, 50 रुपीज की है। तो हमेशा कैटलॉग को अपने पास रखें, और किसी के साथ भी शेयर करने में जब आप कोई प्रोडक्ट बताते हैं, ऑलवेज शो द कैटलॉग ऑल्सो।